पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, फौज ने बोल दिया है कि अगर तुमने बकवास छापी हमारे बारे में तो बेटा घर पे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे तुम्हें घर पे आके। तो सब लोग डरते हैं पाकिस्तानी फौज से ना, मीडिया वाले, इसीलिए खुला कोई नहीं बोल रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेजर जनरल अरशद शरीफ चौधरी जो उनका डीजी आईएसआई सब बयान कराए। देखिए ये कहते हैं कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल अरशद शरीफ said a total of 102 individuals are currently undergoing trial in military courts for their involvement. 102 बंदों की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रही है और डिपार्टमेंटल एक्शन 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है। 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ दीजिए अलग है, 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है जिसमें मेजर जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर्स हैं। ये एक्शन क्यों लिया गया दोस्तों? इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 9 मई को जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था तो पाकिस्तान में सूडियां भी हो गई थी, वो भी काट देती हैं उस चक्कर में इसमें पाकिस्तानी फौज। मैं तो डे वन से कह रहा था, जिस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज हुई मैं टेलीविजन पर था रिपब्लिक में, मैंने तब बोला था इसके अंदर फौजी इन्वॉल्व है, 100% इसमें फौजी इन्वॉल्व है। ये बात मैंने बाद में भी बोली चाणक्य डायलॉग्स में, इसमें फौजी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फौजियों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है और मैंने उस समय मई में मैंने क्यों बोला था, आज से करीब 1.5 महीना पहले, कि इसमें फौजी इन्वॉल्व है। देखिए साहब, इमरान खान अरेस्ट होता है। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर वायलेंस यानी कि दंगा फसाद शुरू हो जाता है, राइट? वो जो दंगई है, वो जो बलवा करने आए हैं, वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों, वो किसी की कार नहीं जलाते, वो कुछ फसाद नहीं करते, वो डायरेक्टली फौज को हिट करते हैं। वो डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माजरा चाहते हैं तेरा लंबा आपको गुड़वाड़िया का सुनाना पड़ा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, वो मान्यत नहीं है। और जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं उन्होंने फुल फिल्म का मज़ा लेना, तो तशरीफ लाए मेरे यूट्यूब चैनल के वीलॉग के ऊपर। ये जब इस जैसे बंदे को पता लग गया कि कोहत खान यही तो कहता फिर रहा कि इंक्वायरी ज़्यादा ना करवाओ, और इसने एक बात कही, वो जो 15 बंदे ऑफिशियल्स ऑफिसर वो लगाए वो किसी और में थे, कोई करप्शन में लागर का माल लेके खा गया, कोई बंदूकों की गोलियां बेच के खा गया, इस तरह के मिसलिनियस क्रिमिनल्स हैं, मिसलिनियस क्राइम्स के लोग थे वो भी। इसने अरशद शरीफ शहीद याद आ जाता, जो DGISPR है वो भी इसने 9 मई के खाते में लोगों को शो करने की कोशिश की है। जुबान से दयाम है, क्या होएगा। अच्छा जी, ये हमने जनरल बात करनी है, एक दो बात कर लेते हैं। स्वीडन में जो हुआ वाकया उसकी पुरजोर मजम्मत कर देते हैं। वहाँ पे अभी तक काफ़ी ढेर सारे स्वीडन में मुसलमान हैं, ढेर सारे, वो इस वजह से कि डेनमार्क और स्वीडन जो है ना समुंदरी बीच में लेकिन करीब करीब हैं, वहाँ पर खारियाँ तहसील के 99% खारियाँ तहसील के लोग हैं वहाँ पे स्वीडन और डेनमार्क में। स्वीडन की हम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो एहतजाज हुआ वो कादियानियों ने किया है। कोई बता दे किसी के पास हो, इमरान मुनीर साहब तो उन्होंने बड़ी चेड़ी चढ़दी, मैं कादियानियों का नाम लेना है। एक और बंदे शाह जी तुसी तो मैंने कादियानी डिक्लेयर करता, 10 दिन मैंने कह देखो जी उन्होंने घंटा घर चौक और फलाना फलाने रोड के उत्ते जुलूस कढ़िया, फलाना फलाना रोड ने जुलूस कढ़िया, यहाँ पे कम अज़ कम 1 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख में कहते हैं 1 मिलियन पाकिस्तानी हैं और ज़्यादातर ज़िला गुजरात के ही हैं, तहसील खारियाँ भी की हैं। पुरजोर मजम्मत करते हैं, अमेरिका से भी आई है, पुतिन को तो वैसे इमरान खान ने ऐसा मिसमराइज किया था, तो कुरान शरीफ का करता जो हरमती बेहरमती करता है वो बुरा करता वगैरह वगैरह। ये तो होगी ये बात, एक बात और आ गई, एक यार चलो और सुन लो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जाना ना आपने,
कि मैं मुझे बड़ी जल्दी आई जल्दी आई। आपको इमरान खान में ऐसा क्या नजर आ रहा है जो हामिद मीर साहब को नजर नहीं आ रहा? इमरान खान ने हमारे इस आने वाली नस्लों पर एक एहसान किया है, वो एहसान ये है कि उसने एक जिन जिफा तोड़ा है, स्टेटस को तोड़ा है। मिसाल के तौर पे सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जरदारी साहब, बिलावल और इस तरह आगे हमने चलते जाना था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, जुनेद, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर्रहमान, असद, उसके अलावा वो बाचा खान, वली खान, असफंद यार, एमल वली, यानी हम इनके गुलाम बन गए थे। दरमियान में आया इमरान खान, उसने कहा नहीं, ये जो 50% लोग कहते हैं तब्दीली कहाँ आई है यार, ये थोड़ी तब्दीली है कि आज इनको लोग जब ये गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि चोर जा रहा है, इससे बड़ी क्या तब्दीली है? अच्छी है। ये जियो का प्रोग्राम ही है तो जियो के ये दोनों को देते हैं, तो ये मैंने कहा जी मैं आपको सुनवा दूँ, को थोड़ा थोड़ा अपनी उसको बहाल भी तो रखना है ना, जो मीर इब्राहिम बच्चे बच्चा है डरता है, जो जियो का CEO है तो बड़े मीर साहब तो फिर अलहदा ही है ना, वो तो कहते मैं कारोबार करता हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा मैंने कहते चलो आपको ये भी सुनवा दिया जाए, एक ये बात कर लेते हैं, स्वीडन की बात हो गई है, अब आगे बात करते हैं। पुलिस ने रेड हेडेड पुलिस ने छापा मार के घर में कादियानी कुर्बानी कर रहे थे तो वहाँ पकड़ लिया, तो जानवर भी उठा लिया, तो ये वो वगैरह वगैरह, चलो पकड़ लिए जी आपने, कोई कानून में नहीं लिखा। और वो जानवर जो है ना कॉरपोरेशन ने कुत्तों को डाल दिया, और ये है वो खुदा को भी कहा, लोग एक नवाले को तरह से। मैं अभी भी बात कर रहा था सऊदी अरब मिरान मुनीर से, मैं कह यार अल्लाह ताला का शुक्र है 5-6 ऑप्शन है मेरे पास है नाश्ते के लिए, यार क्या करूँ, कुलचा दही से खा लूँ, फलाने से खा लूँ, फलाने में जान के आगे नाम नहीं ले रहा किसी की दिल अदर, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दुनिया तरस रही है। ईद वाले दिन कितने ही लोग थे, इमरान मुनीर साहब का भला हो, जिन्होंने कुछ पैसे भेजे तो उनके घर कुछ पका 11-12 बजे के करीब कुछ पका, कुछ नहीं था, तो ये कुत्तों बिल्लों को डालते फिर रहे हलाल का गोश्त वगैरह वगैरह, वो नजीस हो गया था नऊज बिल्ला। अगली बात कर लेते हैं, फ्रांस में हंगामे चल रहे हैं, वहाँ पे जाके देखें बड़े शदीद, वो अल्जीरिया जो उनकी कॉलोनी थे वहाँ पे चल रहा, 15 लाख कत्ल किए थे इन्होंने वहाँ पे अपने रखने के लिए, फ्रांस जोजश बोली जाती है अल्जीरिया में। अच्छा जी वो वहाँ पे एक बच्चा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस पे तो ये कंप्रोमाइज़ करता ही नहीं ना, मुझे पागलखाने इन्होंने भेज दिया था, वो उस पर करते नहीं, उन्होंने बच्चे ने 16 साल की उम्र को बच्चे को चलाने की है, मैं अपने निवासियों को कह रहा था, मैं कहा तेरे हाथ से इनाम रखा हुआ, वो बॉडी बिल्डिंग में घुसा हुआ, उन्हें पता नहीं किन चक्करों में पड़ा, तो मैंने कहा लाइसेंस बेटा साथ कर, तेरा इनाम हैगा, वो भी ले लेगा, 16 साल का बच्चा को लाइसेंस दे देते हैं नरम क्वाइफ के साथ, लेकिन शर्त होती है कि 18 साल तक वो अकेला गाड़ी नहीं चलाएगा, साथ को बैठा होता, तो वो वहाँ पे उस बच्चा था कोई अल्जीरिया का था, तो उसको पुलिस ने फिर मैंने हैंडल जिसको कहते वो किया, तो वो चल रहा है, ये 1960 में ही अल्जीरिया आजाद होया, तो ये वो हंगामे हो रहे हैं, काले तो है ही हैं, उनका वो जो था मैपे फुटबॉलर जो था वो जिसको ये कप तो नहीं ले सका लेकिन मरकज़ निगाह रहा, रोनाल्डो रोमेलियो और फलाने टमकाने से बेहतर हो रहा, मेसी से भी बेहतर ही उसकी रैंकिंग गई थी। अच्छा वो भी काला मैं बता रहा हूँ, काले वहाँ पे बहुत आ गए, उनकी जो कॉलोनी थी ये इस वजह से वहाँ पे हंगामे, गोरे भी कर रहे हैं, पुलिस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, मार दिया, लूट दिया, ये वो वगैरह वगैरह, यहाँ पे जब किसी को निकाल देते हैं ना उसको कुछ चपड़ासी भी नहीं रखता, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं कि तू इससे पहले क्या करता, रेजिमेंट पुलिस में था, वहाँ से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला उस महकमे में, जितनी देर तू क्लियरेंस और होती कि वाज बात वगैरह इसने क्राइम नहीं किया, और वो जो होता करैक्टर ये होता कि इसने बड़ी अच्छी नौकरी की है, ये फ्रांस में चल रहा है, मैंने कहा आपके लोगों के गोश गुजार कर दूँ कानून के, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख लें ट्रैफिक पुलिस जो है ना जर्मनी में वो स्कूलों में जाती है, ठीक है जी, स्कूलों में जाती, वहाँ पर रूल बताती क्या है आपको मोफा,
वो जिसको होंडा 50 किसी ज़माने में होती थी, पता नहीं वो उस लेवल की जो लो हार्स पावर की होती है ना, उस लेवल की गाड़ियाँ बगैर लाइसेंस के होती हैं, तो बच्चे भी चला सकते हैं, क्योंकि 14 साल से 18 साल तक वो चला सकते हैं। दूसरों का तो लाइसेंस होता है, उसे सी डी 70 और होंडा 100 जो है ना, कोई नहीं यामा कोई नहीं चला सकते। वहाँ ट्रैफिक पुलिस जाके लेक्चर देती है, फिल्में दिखाती हैं उन बच्चों को वगैरह वगैरह। यहाँ से कहते हैं कि जो मुझे उन्होंने कहा था जब कीतन के फेंकनेस जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा तूने तो हमारे मुस्तकबिल के वजीर आजम और सदर जो आने हैं वो तूने मार देने थे, चल पागल खाने, एक हफ्ता रह के आए हो पागल खाने। अच्छा जी लाइसेंस 6 महीने चलाना था तो साल गाड़ी में पीता रहा, पिज्ज़ा लिफरूम कर रहा था वगैरह वगैरह। अच्छा जी एक और बात है, एयरपोर्ट पे उस ऑफिसर को अख्तियार है, उस ऑफिसर को कि वो आपको रोके और देखे कि बच्चे की छुट्टियां, आप छुट्टियों के बगैर जो जा रहा है, मतलब छुट्टियां नहीं आजकल नहीं छुट्टियां, जो स्कूल लगे हुए तो बच्चा कहीं लेके जा रहे तो वो कहते हैं स्कूल से सर्टिफिकेट छुट्टियों का लाओ। वहाँ हाँ या, 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 या। अच्छा जी फिर क्या बात, अभी मैं एक किस्सा सुना देता हूँ, क्लिप लंबा हो गया, मैंने छोटा था कि 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ था, लेकिन बात बीच में रह गई, वो अब मैं साबर शाकर